दिस इज दिशाइन वेलकम टू माई चैनल स्टाइल दी तो आज का ये वीडियो एक रिव्यू होने वाला है जिसमें मैं रिव्यू करने वाली कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स तो अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला था अपने चैनल पे पर जिसपे मैंने न्यूट का कैरेट सीड फेस वॉश एंड लोशन का रिव्यू किया था तो उस टाइम वो ब्रांड मेरे लिए बहुत नया था लेकिन जब मैंने उनका वो प्रोडक्ट ट्राई किया ना वो एक्चुअली में मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो फेस वॉश एंड लोशन उनका मुझे वो रेंज और वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं कोई हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई करूँ उनका तो उनके पास तो बहुत सारे रेंज है वैसे हेयर केयर प्रोडक्ट के भी लाइक कैरेट सीड वाला भी था उनके पास लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ दूसरा ट्राई करूँ और तब जाके मेरी नज़र ये वाले रेंज पर पड़ी और वो रेंज है ये यह है Nude का गोट मिल्क बेस्ड शैम्पू एंड कंडीशनर मैं एक पल को इस ब्रांड को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं ना कि बंदा सुना भी ना हो आपने कभी सुना होगा गोट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कोई शैम्पू या कंडीशनर मैं तो पहली बार सुन रही हूँ आपका नहीं पता इसीलिए तो मुझे ये ब्रांड बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि ये ऐसी ऐसी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं जो ऐसे नॉर्मली हमें बाकी प्रोडक्ट्स में, में देखने को नहीं मिलता है या बाकी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है एंड ये ये जो इंग्रेडिएंट है ना लाइक ये गोट मिल्क हो गया या वो कैरेट सीड वाला हो गया ये कहा जाता है ये सारी चीज़ें ये सारी इंग्रेडिएंट्स एंशन टाइम में यूज़ होती थी लाइक like, जो हमारे एंशंट लोग थे ना जैसे कि आज के ज़माने में तो बहुत सारे फैंसी फैंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी तो ये सारे इंग्रेडिएंट तब यूज़ होते थे वो वो लोग अपने हेयर केयर और स्किन केयर में इंडल्ज करते थे ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम में यूज़ होती थी तो ये ब्रांड उस ज़माने की चीज़ों को फिर से वापस लेकर आए हैं और मिला के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली में बहुत ही अच्छा लगा ये ब्रांड और इनकी ये प्रोडक्ट्स आर द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर एंड साइंस वी कैन से दैट क्योंकि मुझे उनका ये कैरेट सीड वाला फेस वॉश एंड लोशन एक्चुअली मैं बहुत अच्छा लगा था उसी से मुझे अंदाजा हो गया था कि इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार इनका हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई करूँ तो चलिए बिना ज़्यादा तो टाइम वेस्ट किए ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं और ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गट स्टार्ट विद दिस वीडियो तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूट का गोट मिल्क बेस्ड प्रीमियम शैम्पू एंड कंडीशनर तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की तो मैं क्या ही कहूँ बहुत ही अच्छे से पैक होकर आता है ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर स्पेशल ध्यान देते हैं देख ही पता लग रहा है कोई भी शैम्पू एंड कंडीशनर ऐसे पैक होकर नहीं आया होगा मैंने तो नहीं देखा तो ये शैम्पू एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है आप देख सकते हैं इसको ओपन करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखता है हमें सबसे पहले यहाँ शैम्पू देखने को मिलता है हमें 300 हंड्रेड का क्वांटिटी मिलता है इस शैम्पू का एंड उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये पाउच तो ये वाटरप्रूफ पाउच है इसके अंदर हम आराम से अपने शैम्पू को रख के इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको ट्रैवल करते टाइम इसको ले जा सकते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ये मैनुअल uh, इस मैनुअल में सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हुए हैं कि कैसे यूज़ करना है और इस शैम्पू का क्या बेनिफिट्स है गोट मिल्क का क्या बेनिफिट्स हैं और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है आप देख सकते हैं इसमें पीछे बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन एंड रिव्यू दिया है एंड साथ ही साथ ये केमिकल एंड टॉक्सिन्स फ्री है आप देख सकते हैं बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं इसमें इसमें सल्फेट नहीं है पैराबिन नहीं है कोई एडेड आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्रेग्रेंस भी नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए तो बात करें इस शैम्पू की कलर एंड कंसिस्टेंसी की तो मिल्की वाइट इसका कलर है एंड कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल मिल्क की तरह ही है आप देख सकते हैं बहुत ही रनी एंड थिन कंसिस्टेंसी है इसकी और बात करें इसके कंडीशनर की तो इसके कंडीशनर की भी सेम पैकेजिंग है ये भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इधर भी आपको सेम पम्प बॉटल मिलेगा जैसे आपको शैम्पू में देखने को मिल रहा था और इसमें भी हमें ये पाउच देखने को मिल रहा है और ये मैनुअल देखने को मिल रहा है तो सेम पैकेजिंग है शैम्पू और कंडीशनर दोनों की और इस कंडीशनर की कलर एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी भी कलर मिल्की वाइट है और बाकी कंडीशनर्स के कंपैरिजन में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है एंड बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोट मिल्क बेस्ड शैम्पू एंड कंडीशनर क्यों अच्छा है तो मैं आपको गोट मिल्क के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ तो गोट मिल्क में पाए जाते हैं बायोटीन एंड प्रोटीन जो रिड्यूस करता है हेयर लॉस को एंड स्टीमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को तो अगर आपको हेयर फॉल या आपके बाल जल्दी से ग्रो नहीं कर रहे हैं ना तो गोट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट लगाने से आपकी ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और गोट मिल्क में पाए जाते हैं बहुत सारे वाइटमिनस एंड मिनरल्स वाइटमिनस लाइक वाइटमिन ए वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स सी डी एन ई ये सारे वाइटमिन है जो इसमें पाए जाते हैं और मिनरल्स भी हैं जैसे कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये बहुत सारे वाइटमिनस हो गए आई नो लेकिन ऐसा मैं नहीं करी यानी रिसर्च किया है आप बेशक गूगल करके देख सकते हो कि ये सारे वाइटमिनस इसमें अवेलेबल है कि नहीं आपको पता लग जाएगा तो ये सारे वाइटमिनस एंड मिनरल्स हमारे हमारे हेयर रूट्स को नरिश करती है और साथ साथ हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को भी तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम काओ मिल्क क्यों नहीं यूज़ कर सकते गोट मिल्क की क्यों यूज़ करें तो मैं आपको बता दूँ काउ मिल्क के कंपैरिजन में गोट मिल्क में हायर अमाउंट ऑफ फैट होती है जो हमारे बालों को बेटर कंडीशनिंग कर सकती है जिसके वजह से हमारे बाल बहुत ही बाउंसी एंड शाइनी हो जाएंगे तो हुआ ना बेटर काउ मिल्क के कंपैरिजन में गोट मिल्क और अगर आपको ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इससे वो भी चली जाएगी क्योंकि गोट मिल्क में ए पाया जाता है अब ए क्या है ए का मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो हमारे बालों को जो हमारे स्कैल्प को जेंटली एक्सफोलिएट करता है जिसकी वजह से हमारे बालों से सारे ड्राइनेस और फ्लेकीनेस रिमूव हो जाते हैं और डैंड्रफ भी रिमूव हो जाता है और ये हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल बना देता है तो ये सारे तो बेनिफिट्स हो गए गोट मिल के जो लिखी हुई बातें हैं आप कहीं से भी पढ़ सकते हो राइट right? तो मैं आपको मेरा पर्सनल थॉट बताती हूँ इस शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में क्योंकि मैंने दो तीन बार इसको यूज़ किया है तो मैं ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकती लेकिन जो मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिला है उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो पहली बात मुझे इस शैम्पू की ये अच्छी लगी कि ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं क्रिएट करती है मतलब बहुत ज़्यादा लैदर नहीं क्रिएट करती है बहुत सारे शैम्पू होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा झाग झाग कर देते हैं हमारे बालों को और हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत डीप क्लीन हो रहे हैं जी नहीं वो सल्फेड होता है एसनलेस एक किस्म का डिटर्जेंट जो शैम्पू में यूज़ होते हैं उसको फोम क्रिएट कराने के लिए लैदर क्रिएट कराने के लिए जो हमारे बालों को बहुत डैमेज कर सकती है तो इसमें वो नहीं है ये सल्फेट फ्री शैम्पू है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डीप क्लीन नहीं करती है ये बहुत ही अच्छे से मेरे बालों को क्लीन कर दी थी मुझे थोड़े बहुत डैंड्रफ और इचिनस की प्रॉब्लम है तो जब से मैंने इसको लाइक दो तीन बार यूज़ किया है तब से मुझे इचनेस नहीं हो रही है तो ये इंस्टेंट रिज़ल्ट है ना जो आपको एक दो बार यूज़ करने पर पता लगता है तो हाँ इसने तो इचनस की प्रॉब्लम दूर कर दी इसने क्लेम किया था तो मुझे मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बात करूँ इस कंडीशनर की तो इसके कंसिस्टेंसी के ऊपर ही मैं पहले बात करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है बहुत ही रनी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है मिल्क milk जैसा मिल्क ही बोल लो ना मिल्क ही है तो बाकी कंडीशनर्स होते हैं ना बाकी ब्रांड के कंडीशनर्स जो होते हैं बहुत ही थिक होते हैं क्रीम जैसा और जब आप अपने बालों पर लगाते हो तो बहुत ही स्मूद लगता है लेकिन जब आप अपने बालों को धोते हो और उसको ड्राई करते हो तब आप अपने बालों को छूते हो तो सारी सॉफ्टनेस और स्मूदनेस चली जाती है इस वाले कंडीशनर के साथ केस उल्टा है जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको कुछ भी फील नहीं होगा आपने आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है लेकिन जब आप अपने बालों को धो के और उसको ट्राई करने के बाद छूते हो आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा स्ट्रेंज है थोड़ा अलग है लेकिन सही है सही काम कर रहा है फिलहाल दो तीन बार मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी के लिए तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इसको एक बार ट्राई करो अपने अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको है, ड्रैंड्रव हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा और इन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप आराम से चेक कर सकते हो तो इतना ही था आज के मेरे इस वीडियो के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप सभी को मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर